पार्टनर बना ले प्लीज। प्यार में बैठी जुड़ी कभी नहीं बैठी। बेकार प्लान है, करके देख। आखिर किसका किया रणवीर ने स्वागत से स्वागत, और कौन है वो एथलीट जो है दीपिका के दिल की करीब। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, खेल और बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी एक खास रिश्ता है। कई सारे फेमस खिलाड़ी बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस इससे बेहद क्लोज है। उन्हीं में से एक है दोस्तों पीवी सिंधु, जो कि बी टाउन की फेमस सेलिब्रिटी दीपिका पादुकोण की करीबियों में से एक है। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अभिनेता रणवीर सिंह और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु मुंबई में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आए थे। तीनों का स्टाइलिश लुक और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई थी, और तीनों को एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट किया गया था। बता दें कि पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है, और जीत का जश्न दीपिका और रणवीर ने पीवी सिंधु के साथ मिलकर बनाया है। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को बॉलीवुड का एनर्जी किंग कहा जाता है, और रणवीर सिंह अपने लुक्स और स्टाइल को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। रणवीर सिंह हमेशा अपने फैंस से जुड़े रहते हैं, और फिलहाल रणवीर सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म सर्कस को लेकर इन दिनों चर्चाओं में है। दोस्तों, रणवीर की इस फिल्म का रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं, और फिल्म की शूटिंग जल्द ही पूरी होने वाली है। रोहित शेट्टी के साथ साथ सर्कस को टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट को भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फिल्म में रणवीर सिंह डबल रोल करते हुए दिखाई देंगे। ये पहली बार है जब रणवीर सिंह किसी फिल्म में डबल रोल करेंगे, और दोस्तों पहली बार भूषण कुमार और रोहित शेट्टी भी साथ काम कर रहे हैं, और इस फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा उनकी वाइफ भी नजर आएंगी, लेकिन एक कैमियो रोल में। बता दें कि रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह किसी तीसरी बार साथ काम करने वाले हैं। इससे पहले रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सिम्बा में रणवीर सिंह लीड रोल में दिखाई दिए थे। इसके बाद दोस्तों रणवीर सिंह रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी फिल्म सूर्यवंशी में कैमियो में किया है, और दोस्तों सूर्यवंशी में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ लीड रोल में है। दोस्तों, फिल्म को मार्च में रिलीज होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते फिल्म रिलीज ना हो पाई, लेकिन दिवाली पर रणवीर सिंह की ये फिल्म लोगों को देखने को जरूर मिलेगी। वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण फिल्म 83 में रणवीर के साथ नजर आएंगे, और शादी के बाद ये पहला मौका होगा जब वो दोनों एक साथ नजर आएंगे। इसके अलावा दीपिका पादुकोण की पाइपलाइन में फाइटर, पठान, द इंटर्न फिल्में भी हैं। दोस्तों, बता दूं कि वो शकुन बत्रा और नाग अश्विन के बिना नाम की फिल्मों में नजर आएंगी। तो दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि क्या आप भी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की जोड़ी को एक बार फिर से साथ देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में, और हमारी आज की राइटर है अनामिका गुप्ता।